अपने पहले तो टिकट्स बुक कीजिए आप gocelib.com पे जाके, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिकॉज मुझे पता चला है कि बहुत जल्द ये इनके जो है टिकट्स जो बिक रहे हैं और दे आर फास्ट फिलिंग वेरी सून, सो जितनी जल्दी आप अपने टिकट्स ग्रैब कर लेंगे तो उसके लिए जो है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप, चूँकि ये नवरात्रि जो है इंडिया का सबसे बड़ा नवरात्रि, तो मैं चाहता हूँ कि आप, पहले तो मेरा नाम अमन त्रिखा है, और मैं इंजीनियर हूँ, सिंगर बाद में बना। मैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ, तो उसके बाद सिंगिंग का सफ़र जो है वो शुरू हुआ, म्यूज़िक का, और धीरे धीरे काफ़ी मशक्क़त के बाद, स्ट्रगल के बाद जो है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरी पेरेंट्स के आशीर्वाद से, और जो है लोगों की ब्लेसिंग से, मुझे ऐसा मौका मिल पाया है कि मैं आज आप सब लोगों के रूबरू हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आपका सिंगर, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जी स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है, गो सेलेब क्लब, AMZ इवेंट मैनेजमेंट, तिरुपति कपासिया तेल एंड रुआब पान मसाला, और SD पेंट्स। सो ये जो ये सारे लोगों का टीम वर्क है, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, और इन सब ने मिल कर के एक कॉमोडिटी को, एक प्रॉपर्टी को जन्म दिया जिसका नाम है नवरात्रि 2019, जो जॉली पार्टी प्लॉट सूरत में हम सब मिल के मनाएंगे 10 दिन, और खूब मज़ा आएगा। और मेरा ये दूसरी नवरात्रि होगी सूरत में, 2011 में मैंने सरसना डोम में ही किया था परफॉर्म, बट अब 8 साल बाद, तब मैं प्लेबैक सिंगर नहीं था, तब मैं एक जस्ट मैं अपनी एक जगह ढूंढ रहा था, 2012 में मेरा पहला गाना आया, तो 2011 में वो परफॉर्म किया था, तो अम्बे माँ की, माता रानी की कृपा मुझे वहाँ से मिली, तो नेक्स्ट ईयर ही मुझे जो है बहुत बड़ा ब्रेक मिला। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सबकी और दुआएं, आशीर्वाद लेके जाऊं, माता रानी का और प्यार आशीर्वाद लेके जाऊं इस बार, हर साल आए हर साल मुझे ये सौभाग्य मिले सूरत में आके परफॉर्म करने का। तो एक हमें आपका फेवरेट कोई सॉन्ग जो है वो तब तक तो बिल्कुल नहीं था, जब तक मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही चला 2005 में कि मैं गा सकता हूँ। जी, तो जो सपना है और जो भी ख्वाहिशें हैं वो तो बाद में शुरू हुई, जब पता चला कि गा सकता हूँ, और ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो ये जब ये रियलाइजेशन हुई, तो तब उस रियलाइजेशन के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसी एक चीज़ है जो मुझे दूसरे लोगों से अलग करती है, और कुछ एक हमेशा एक म्यूज़िक मेरे लिए काफ़ी रूहानी रहा है, एक बहुत ही एक डिवोशनल स्पिरिचुअल कनेक्ट रहा है मेरा जी। तो कभी ऐसा नहीं था कि पैसे कमाने हैं, सुपरस्टार बनना है तो इसलिए म्यूज़िक करना है, कई लोगों का होता है कि एक्टिंग में आना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों मिलते हैं, आपका बोलबाला होता है, आपको लोग आपके पीछे पागल होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा था कि मुझे बस म्यूज़िक की साधना करनी है, मुझे क्योंकि जब संगीत मुझे बहुत शांति देता शुरुआत से, और एक सुकून जो है, और एक जो कनेक्ट, जब मुझे लगता है जब मैं म्यूज़िक मैं होता हूँ, म्यूज़िक कुछ भी कर रहा होता हूँ, या तो मैं गा रहा होता हूँ, या मैं कुछ कंपोज कर रहा होता हूँ, या कुछ भी मैं सुन भी रहा होता हूँ, बड़े कलाकारों को, दिग्गजों को, या किसी को भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मैं रूहानियत महसूस करता हूँ, तो मुझे बहुत एक वो एक रूहानी जो आस्पेक्ट है। हालोरे 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 राधा के अंगना, हालोरे 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 राधा के अंगना, हालोरे 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 राधा को रंगना, छुई मुई राधा रानी कान्हा से शर्माए, नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए, तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार,
तेरा हुस्न धुएदार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, होने दे आज हल्ला देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला, अटके मटके झटके मारे है तू आज शोला तो हम भी फुआरे है, तू आसमां पे है तो चांद तारे है हम, चाहे दम निकले ये दम है कसम ये तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम, इन सूरत इन जॉली पार्टी प्लॉट, ये सब आप गाने सुनेंगे। और बहुत सूरत हमेशा जो है बहुत एक्साइटमेंट लेके आता है जी। बॉम्बे के पास भी है तो बहुत एक इतना वो नहीं लगता है कि कहीं आप बाहर आए हो जी। लेकिन यहाँ पे फ्लाई ओवर सिटी तो मैं सुन रहा हूँ काफी और मैं देख भी रहा हूँ, बहुत फ्लाई ओवर्स हैं और बहुत अच्छे से रेगुलेट हुआ है पहले के मुकाबले यहाँ का ट्रैफिक, और बहुत बहुत बधाई है सूरत की जितने भी लोग हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और गवर्नमेंट को, और ख़ासकर सूरत जो है वर्ल्ड फेमस है डायमंड्स के लिए, डायमंड मर्चेंट्स के लिए, डायमंड के व्यापारियों के लिए, तो जो बिजनेस कैपिटल आप बोल सकते हो गुजरात की सूरत है, और इंडिया की भी वन ऑफ द बॉम्बे के बाद अगर आप बोल सकते हो वो टॉप फाइव में तो सूरत का नाम हमेशा लिया जाएगा जहाँ कमर्शियल्स की बात आती है। और उसके अलावा संगीत से भी बहुत अच्छा जो है रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है कि सूरत की नवरात्रि का गरबा जो है वो वर्ल्ड फेमस है, जो भी कोई एग्जाम्पल देता है तो सूरत की नवरात्रि का देता है, और हमेशा कॉम्पिटिशन होता है सूरत अहमदाबाद में, बट सूरत की जो लोगों की दीवानगी है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद के लोगों से म्यूज़िक को लेके, और जुनूनियत जो है तो ये बहुत हमेशा अच्छा ही एक एक्सपीरियंस होता है जब भी यहाँ आता हूँ। आज भी मैं आया हूँ आफ्टरनून में तो बहुत बाहर हालो रे हालो रे हालो रे हालो।